राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत धस्माना ने डेंगू पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के कारण लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम सिर्फ घर और स्कूल जाकर चालान काटने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रक्तदान शिविर करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की है। उनका कहना है कि रक्तदान करें जिससे कि उत्तराखंड में डेंगू की भयावह स्थिति पर काबू पाया जा सके। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहाँ पर हमने ब्लीचिंग का वहां पर अभियान शुरू किया था, वहां पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कामली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहां पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हो, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयर लिफ्ट करना चाहिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। ओ नेगेटिव के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से ओ नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की जब ये डेंगू के पेशेंट बढ़ने शुरू हुए, और एक अनुमान भी था हमको कि इस बार ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका साइकिल 3रे वर्ष का है, तो अनुमान था कि इस बार ये बढ़ेगा, पुराना अनुभव था। तो मुझे लगा कि इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने देवभूमि विकास संस्थान, जो एक हमारी स्वयंसेवी संस्था है, उनको लोगों को बुलाया, वहाँ पर अपने जो से पदाधिकारी हैं, और हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन की शॉर्ट नोटिस पर ब्लड कैंप की शुरुआत करी 3 सितंबर।